जय माता दी, जय जय माता दी। हम लोग सरा राशि से सुबह 3 बजे उठते हैं और सरा राशि से माता जी के दर्शन के लिए आते हैं। 4 बजे मंगला आरती में आके पहुंचते हैं। माता जी की महिमा है कि अपनी शक्ति से खींच लाती हैं हम लोगों। जय माता दी जी। 9 दिन का नवरात्र रहता है, 1 दिन नहीं आ पाए थे पहले दिन, उसके बाद से आ रहे हैं और माता जी चाहेंगी तो 9 दिन आएंगे जी। बहुत शांति मिलती है, बहुत सुख प्राप्त होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ से जाने का मन नहीं होता, लेकिन एक जो माया बनाई है माता रानी, इसलिए जाना पड़ता है जी। जी मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो है, ये बड़ी देवकाली माता है। सीता माता इनका दर्शन करने आती थी जी, इनकी महिमा अपरंपार है। सवेरे सवेरे सुबह सुबह 4 बजे मंगला आरती हुई है, हम सभी दर्शनार्थी यहाँ प्रतिभाग किए हैं और माता जी का आशीर्वाद बराबर मिलता रहा है हम लोगों को। हम लोग जो है सुबह, हमारा घर सरा राशि है, हम पेशे से अध्यापक हैं और सुबह 4 बजे हम लोग आ जाते हैं आरती, माता जी की आरती में सम्मिलित होने के लिए। सुबह 4 बजे से शाम के करीब 8 बजे तक एकदम दर्शनार्थी लगातार यहाँ आते रहते हैं, माता का आशीर्वाद प्राप्त करते रहते हैं। सुबह सुबह 4 बजे आरती सुबह चार बजे आरती होती है, हम लोग आरती में सम्मिलित होते हैं और माता रानी का आशीर्वाद सब पे बना रहे, ये प्रार्थना है माता रानी से। ये भगवान राम की कुलदेवी माँ, बड़ी देवकाली माता है और हम लोगों का आशीर्वाद माता रानी का आशीर्वाद हम लोगों पर सदा बना रहे, यही हम लोगों की प्रार्थना है। जय माता दी जी। पूरा 9 दिन तक दोनों सब टाइम आते हैं, हम आरती में सम्मिलित होते हैं। कौशिकी तिवारी, देवकाली मंदिर में सुबह सुबह 4 बजे आरती होती है, वहीं पे हम दर्शन करने आए हैं। दुर्गा जी का यस, आकर शांति फील, अच्छा फील होता है, महसूस अच्छा होता है और पूरा दिन भी अच्छे से बीतता है। कि हमारे आगे वाले वो पीढ़ी पर ध्यान दें और हमें अच्छे से सफल करें जिंदगी में, हमें खुश रखें जी। तीस नौराधर सुबह 4 बजे होती है मंगला, उसके बाद भोग लगता है, उसके बाद दर्शन के लिए जनता के लिए खुल जाता है दरबार सुबह 4 बजे। छठा दिन दर्शनार्थी तो अब जो है दिन में, अभी तो सुबह है, सुबह तो यहाँ आसपास के लोग, शहर के ही लोग आते हैं। अभी जैसे थोड़ा सा सूरज निकलेगा वैसे दूर दूर से लोग अपने वाहन से और भी तमाम तरीके से लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं। अष्टमी के दिन तो भीड़ रहेगी ही रहेगी, क्योंकि उस दिन जो है कुछ लोग परवा और अष्टमी को 2 दिन व्रत रहते हैं, वो हवन कराएंगे अपना, उसके बाद पारण करेंगे, और जो 9 दिन का रहते हैं व्रत तो वो नवमी के दिन जो है हवन करा के तब पारण करके पारण करेंगे। इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है, इसलिए भगवान राम की कुल देवी हैं कि उनके पूर्वजों द्वारा जो है स्थापित हुई हुई मंदिर है और जो है देवी भागवत में इसका वर्णन है, जो ना जानता हो पढ़ना चाहे तो देवी भागवत में हिंदी में भी है, संस्कृत में भी है, पढ़ ले, और अगर पुस्तक उसके पास ना हो तो हमारे पास आवे, हम उपलब्ध करा देंगे।